बिलासपुर के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जामली और स्वारघाट स्कूल के प्रशासन ने बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की। विद्यालय के प्रिंसिपल कुलदीप डोगरा ने बताया कि उन्हें विभाग की तरफ से जानकारी मिली थी कि मिड डे मील्स वर्कर हड़ताल पर जा रही हैं, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को उनका मिड डे मील मिलना चाहिए। इसके तहत वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है और फोर्थ क्लास कर्मचारियों ने आज भोजन बनाया और सब ने उन्हें मिलकर परोसा। विंटर वेकेशन के बाद विद्यालय खुला है और एमडीएम के संदर्भ में जो आज विद्यालयों में एमडीएम बनना है और एमडीएम वर्कर जो हैं वो स्ट्राइक पे गए हैं, इसकी विभाग की तरफ से पहले ही सभी विद्यालयों के मुखियों को एमडीएम इंचार्ज को सूचित कर दिया गया था कि बच्चों के एमडीएम के लिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाए। तो आज हमारे विद्यालय में भी जामली सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी बच्चों का एमडीएम बनकर जो है वो तैयार हो चुका है और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हमने ऐसे की है कि हमने अपने आंतरिक स्तर पर अपना जो स्टाफ है या हमारे क्लास फोर कर्मचारी हैं उनके सहयोग से जो है वो एमडीएम का खाना जो है वो तैयार हो चुका है और हम सभी मिलकर जो है वो बच्चों में उस खाने को वितरित भी करेंगे रिसेस के टाइम, जो बच्चों के खाने का टाइम है। हड़ताल है और बच्चों का खाना बन रहा है तो बच्चों के लिए एसएनसी ने इंतजाम किया हुआ है बच्चों को खाने के लिए। मैं एसएनसी की अध्यक्ष बोल रही हूँ। तो बच्चों को बाहर खाना बांट रहे हैं और हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से रिशु प्रभाकर की रिपोर्ट।